यार एक औरत को सोना महंगा पड़ा। नहीं, तुझे सस्ता पड़ेगा, तेरे खेत में खदान है ना सोने का। अरे नहीं रे, रेलवे स्टेशन पर सोना महंगा पड़ा क्योंकि सोने के बाद गले का सोने का हार गायब हो गया, चोर उड़ा ले गया, समझा टकला? तो ऐसी चिंदी चोरियां तो आपको हमेशा सुनने को मिलता होगा, लेकिन हम आज आपके लिए लेकर आए हैं सोने की तस्करी, जिसे पकड़े जाने पर लग जाए डायरेक्ट हक्करी। लेकिन भाई यहाँ पे ऐसे ऐसे दिमाग लगा कि कस्टमाइज तरीके से तस्करी किया जा रहा ना, कि यहाँ पे कस्टम दिमाग का भी दिमाग खराब हो चुका है। चलिए शुरू करते हैं। तो आप लोग अपने स्कूटी के टायर में फोकट का हवा भरते हैं ना, इतना महंगा चीज भर के तो देखिए। तेजस्वी लोग हैं हमारे पास। ओ भाई साहब, अब जरा सोचिए कि ये पकड़ में कैसे आया होगा, टायर के अंदर तस्करी टेक्नोलॉजी, वाह भाई वाह। खैर यहाँ पे तब भी स्कूटी था, लेकिन क्या आप इमेजिन कर सकते हैं कि इतने फटीचर साइकिल में इतने लाखों का माल भरा जा सकता है? देखिए जरा। अब ये क्या था, सीट के अंदर जुगाड़ फिट? मैं आपको पहले बता दे रहा हूं, ऐसी ऐसी चीजें दिखा रहा हूं और ऐसी चीजें पकड़ी जा रही, तो प्लीज आप लोग अपना कांड मत शुरू कर दीजिएगा। अक्सर आपने फिल्मों में देखा होगा कि जब हीरो किसी गुंडे के घर पे जाता है तो पूरा चेकअप कराने के बाद अंदर जाता है और जूते से हथियार निकालकर कांड कर देता है। ये जरा देखिए तस्कर लोगों का क्या मस्कर, मोची से सोची समझी साजिश। अरे बाप रे, ये तो धोती खोल रहा है। वो प्रॉपरली काटा है इसको, उसमें लिखा ना 1 किलो लिखा है वो पूरा। हाँ उसी 1 kg के ये देखिए करो। कौन है ये लोग, कहाँ से आते हैं ये? लो भैया, कस्टम विभाग वाले जूते को उतरवा के देखते हैं, यहाँ तो चप्पल था, घंटा किसी को पता ना चले भाई बिना मेटल डिटेक्टर के। अब भाई मेरा भी दिमाग चकरा रहा है। तो भाई आज का वीडियो जो ऐसा है ना, आप एक चीज में भी अंदाजा नहीं लगा सकते, क्योंकि इनकी सोच बहुत ऊपर की है। अब जरा यहाँ देखिए कि पंखे में कैसे अनोखे जुगाड़ लगाए गए हैं। भाई यहाँ मोटर के रोटर में इतना खादान छिपा रखा है कि पूरा खानदान को खिला दे बैठा के। अब आप सोच सकते हैं कि यार ऐसी चीजों में से निकल रही है तो कितने ऐसे चले ही जाते होंगे। तो भाई मेडिकल इमरजेंसी एम्बुलेंस वाला कांड तो आप लोग सभी लोग जानते होंगे, मतलब आपको लगेगा कि उसमें किसी का नाना मरा जा रहा है, लेकिन वहां पे तो भैया बोतल भर के जा रहा है। खैर अब मैं आपको दिखाता हूँ कि कैसे यहाँ पे मेडिकल साइंस की शक्तियों का इस्तेमाल करके तस्करी किया जा रहा है, कस्टम विभाग के साथ मस्करी किया जा रहा है। देखने से लग रहा है कि पैर टूटा हुआ है, लेकिन असल में इसका किस्मत फूटा हुआ है। लड़का पकड़ा गया है, नहीं था उसका, कई बार शिकायतें आई हैं, यहाँ पर स्मगलिंग करता है। जी जी जी, कुछ दिखने लगा इसमें, कुछ दिख रहा है। अरे मिश्रा जी, ये क्या है इसमें? अरे देवा, ये गड़बड़ है बाबा। ये देखिए,
सर काट के निकाल, यही है तुम्हारा, यही तुम मेडिकल करवाते हो, ट्रीटमेंट करवाते हो सर। इसमें पता नहीं कहाँ से आया गोल्ड के तुम बिस्कुट की क्या है, कितने गोल्ड का बिस्कुट बताओ। अरे पूरा पूरे कितना पूरे माफ कर दीजिए सर, इसके बारे में मैं कुछ नहीं जानता। चलो चलो, 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 चलो लंबा जाओगे तो तू कहेगा ही ऐसे सर। ग्लोस करके सर पता नहीं अच्छा प्लास्टर चढ़ा दिया सर। अच्छा इनका फ्रैक्चर देखिए, कहाँ पे फ्रैक्चर है, इनका फ्रैक्चर देखिए, ये फ्रैक्चर तो एकदम ओके पर ये फ्रैक्चर इनका झूठ बोल रहा है, पकड़ा गया ना बेटा। खैर ये तो था पैर का नमूना, लेकिन हर कांड में हाथ का हाथ होता है, तो हाथ का ये बात देखे और इसका बात भी सुने। सर इसमें फ्रैक्चर हुआ है सर, बहुत सीरियस इंजरी है सर, इसमें प्लेटें। चुप रहे, मैं देख रहा हूँ। सर बहुत दर्द हो रहा है, ये फंस गया सी है। ये क्या इसमें है, ये क्या है इसमें, यही तुम्हारी प्लेटें हैं सर? मुझे नहीं पता है। ओह माय गॉड, ये क्या है, ये क्या है? सोना सप्लाई करता। ओह माय गॉड, करोड़ों का सोना है ये, करोड़ों का सोना तो सप्लाई कर रहा है, फाइन गोल्ड लिखा हुआ है 99%। तो 12 किलो तुम सोना लेके हाथों में जा रहे हो। सॉरी सर, छोड़ दीजिए सर, गलती हो गया सर, इसलिए मैं तुझे बता रहा हूँ। तो भैया पहले बहाना, फिर पकड़ा गया सोना, तो रोना धोना, पर आपका कुछ नहीं होना, आपको जेल जाना। तो दोस्तों आपने आपदा में अवसर तो सुना ही होगा, लेकिन अब मैं आपको दिखाने जा रहा हूँ कि टकले में अवसर कैसे निकाल सकते हैं। अबे मेरा बात करता है नहीं, तू देख मैं क्या दिखाने वाला, देख। बाल का खाल निकालना, यहाँ पे बाल का खाल निकाल के माल निकाल लिया कस्टम विभाग वालों ने। तो भाई ये सब देखने के बाद तो अब यही लग रहा है कि मैं जब भी रोड पे जाऊंगा तो सबको ऐसे ही गोलमाल के नजरों से देखूंगा, बहुत झोलझाल है दुनिया में यार। अच्छा एक चीजों का थोड़ा सा चलन रहा है अपने देश में कि कोई अगर विदेश रहता है तो वहां से कुछ चीजें, टूल्स वगैरह या घर की कुछ चीजें मंगवाते हैं और अक्सर लाके देते हैं, या वो अपने घर में खुद के लिए भी लाते हैं, और इन्हीं चीजों का अवसर उठा के उसमें तस्करी वगैरह भी चलती रहती है। ये देख के आपके आंखों से भरोसा उठ जाएगा। आप लोगों के पास खोपड़ी है या खोपड़ा, ऐसा दिमाग आइडिया कहां से लाते हो जो कर देते हो इस लेवल का लफड़ा। वैसे तो टूल्स वगैरह बहुत ही कम आते हैं, लेकिन सबसे ज्यादा जो विदेशों से लाने का चलन है वो है चॉकलेट। अब तो आप समझ ही गए होंगे कि चॉकलेट में भी कांड हो सकता है, हुआ होगा, लेकिन कैसे जरा देखिए, आपका दिमाग चकरा जाएगा। बहुत है दो जी हाँ, तो इसके रैपर में कांड है। अगर आपको चुपचाप ये चॉकलेट थमा दी जाए तो आप खा के वो रैपर फेंक देंगे, मतलब सिर्फ शक करने वाला ही पकड़ सकता है, देख के किसी को भी शक नहीं होगा। तो भाई ये तस्कर लोग हैं ना, उन लोगों ने किसी भी चीज को नहीं सोचा, सब में अपना टेक्नोलॉजी और मैन्युफैक्चरिंग वाला दिमाग लगा डाला। आप जरा सोच सकते हैं कि पेंसिल में ऐसा कैसा कांड किया जा सकता है, देखिए जरा। We'll be right back.
साहब गोल्ड का पेस्ट बना के डाला गया था। अब समझ में आया कि ऐसा नौकरी पाना क्यों मुश्किल होता है, क्योंकि भाई ऐसे लोगों से डील करना पड़ता है, ऐसे खुरापात खोपड़ी को पकड़ना पड़ता है। और अब मैं दिखाता हूं सबसे ज्यादा अमाउंट में गोल्ड का तस्करी, और यहां पे कुछ ऐसा है कि कोई बाहर से देख के पकड़ नहीं सकता जब तक उसको तोड़ फोड़ ना करे। तो भाई यहाँ पे ट्रक के टंकी में नौटंकी हो रखा है, और जरा सोचिए कि जब तक इसको तोड़ा ना जाए तब तक किसी को दिखने वाला जैसे लग रहा है यहाँ पे। अब भाई ये जो इसे पकड़ते हैं वो जाने कि भाई उनकी इंटेलिजेंस किस लेवल तक की है, क्योंकि यार छुपाने वाले को क्या है यार, कुछ में भी ढकेल डालेगा, लेकिन जो सर्च करता है पकड़ता है भाई कैसे? इसके लिए इतना कंपटीशन पास करने के बाद नौकरी लगता है, तेरे जैसे बाल बुद्धि को नहीं। तो भाई मेरे हिसाब से इसमें से एक भी कमजोर नहीं था, और आप लोग बताइए कि सबसे भयानक दिमाग वाला कौन सा लगा, कमेंट करके जरूर बताइएगा। और हम आपको दो लाइन सुनाते हैं, तब तक आप लोग वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब करके नोटिफिकेशन ऑन कर दीजिए, और नए टॉपिक का सजेशन भी लिख दीजिए। तो कानून से निर्दोष लोग डरते, पैसे पर न्याय व्यवस्था चलता है, कहने वालों ने तो कह दिया कि अनपढ़ लोग चोरी तस्करी करते हैं, लेकिन इनको पकड़ने के लिए IAS CID जैसी पढ़ाई करना पड़ता है। और इसी के साथ जय हिंद, बाय।